रोइए मत, रोइए मत, एकदम एकदम हौसला रखिए। तकलीफ सर आंसू से नहीं गिरता, जब हैंडल से शांति आ जाती। पहले तो गर्मी में मत बैठे यहाँ पे, गर्मी में काफी नाम है, अब घर सर जहाँ से वहाँ बैठते हैं बाहर। आंसू पोछी और कभी गई थी ज्योति यहाँ से? ज्योति तो वहीं रहती थी ना, वहीं प्यार वाले यहाँ से तक गई थी। अरे ये बहुत कम था, उनको मौका छाना होता था। ना एक बात बताइए आपको, उसका चाल चलन एक्सट्रीम बनने के बाद बिगड़ा है कि अब? सर हम कुछ नहीं उसे, बस अब खैर उसके बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। हमको ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो लड़ाई झगड़ा जो होगा दे दीजिए, कर दीजिए। दवा हम बहुत रखे हैं, सब कर डॉक्टर साहब का अपना इलाज करा रहे हैं, आप लगातार डॉक्टर को दिखा रहे हैं? जी जी। डॉक्टर ने क्या कहा? कहें दवा खाइए, रेस्ट करिए, बातचीत अपना भाई, वो समस्या कुछ मत अपने दिमाग में रखिए बस। अच्छा पुलिस आई थी क्या आपके पास? अभी नहीं, पुलिस नहीं, पुलिस नहीं आई थी। ज्योति मौर्या के घर से किसी ने संपर्क किया? यहाँ कोई नहीं अभी आया। ज्योति मौर्या के फादर वगैरह कोई कोई? अच्छा एक आखिरी बार बता दीजिए कि ज्योति मौर्या आखिरी बार कब आई थी यहाँ पे? अरे अब हम कुछ ना भाई, अब आई तो फिलहाल ये बात करने की स्थिति में नहीं है। देख पा रहे हैं कि तबीयत नासाज है, दवाइयाँ उनकी यहाँ पर रखी हुई है। लगातार जब से ये मामला निकल कर सामने आया, ज्योति मौर्या ने जो तमाम आरोप लगाए उन आरोपों के बाद इनकी तबीयत यहाँ पर बिगड़ गई है। ये इस इलाके के बगल में ही यहाँ पर स्कूल है, उसके प्रधानाध्यापक के तौर पर ये काम करते थे। 2018 में ये रिटायर हुए थे। आपने 2018 में ही रिटायर हुए थे? हाँ। आप ही के स्कूल से आलोक भी पढ़ाई किया था वहाँ से? हाँ हम प्राइमरी में पढ़े थे आलोक, हम तो मिडिल से रिटायर हुए। तो स्थिति अभी तबीयत कैसी है आपकी? नहीं अच्छी नहीं सर है, हम परेशान हैं बहुत। और ज्योति मौर्या के आरोपों पे कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि देखिए तमाम देश इस वक्त जानना चाहता है। नहीं बोलेंगे अभी, हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो फिलहाल देखिए हम बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनकी तबीयत नासाज है, इसलिए भी हम ज़्यादा इनको प्रेशराइज नहीं करेंगे, लेकिन इनकी तबीयत नासाज है और इनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इनका यही कहना है कि इनको अकेला छोड़ दिया जाए। बहरहाल जिस तरीके से विवाद लगातार गहराता जा रहा है, उसके बाद जिस तरीके से ज्योति मौर्या लगातार आरोप लगा रही हैं इनके ऊपर, आलोक मौर्या लगातार पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं इस गाँव के, अगर बछवल गांव की अगर हम बात करें, तो आस पड़ोस के लोग भी, कुछ जो अगल बगल के घर हैं वो बोलने को तैयार नहीं है। ज़्यादातर घरों में यहाँ पर ताला लग चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट विम्बधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, आजमगढ़।